मतलब यहाँ पे प्रेशर रहता है, प्रेशर रहता है ना, ध्यान करने के बाद भी रहता है ना, थोड़ी देर रहता है, थोड़ी देर रहेगा वो। देखो मेन चीज क्या होता है कि हम जब ध्यान में जाते हैं, ठीक है, फिर मां बाप को उदाहरण से समझाएंगे। जब हम ध्यान में जाते हैं तो एक अलग दुनिया में जाते हैं, जैसे हमने आपको बताया था अभी हम लोग रह रहे हैं इस भौतिक दुनिया में, ठीक, और हमारा मन भी भौतिक दुनिया में है, ठीक, हमारी आत्मा भी भौतिक दुनिया में है, ठीक। अब हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान से क्या हो रहा है, आत्मा जो होती है हर एक की, जो आत्मा होती है हर एक इंसान की, वो आध्यात्मिक होती है, उसके अंदर आध्यात्मिकता ज़्यादा होती है। और आत्मा कभी कोई आप गलत काम करने जाओ तो एक बार आत्मा जरूर आपको रोकेगी, ये काम नहीं करना चाहिए, एक बार जरूर विचार आएगा आपके पास अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर आता है। तो वो आत्मा क्यों रोकती है, आत्मा इसलिए रोकती है वो काम करने, गलत काम करने के लिए, क्योंकि वो आध्यात्मिक है, ठीक है। लेकिन जो मन है वो मन आपका भौतिक है, मन जो है वो भौतिक है, तो अब हमको काम क्या करना है, लेकिन भौतिक है लेकिन ये मेरा परम मित्र है। मन से बड़ सबसे बड़ा अगर मित्र है दुनिया में, वो आपका सबसे बड़ा मित्र और सबसे अच्छा मित्र जो है वो आपका मन है। अगर ये क्वेश्चन अगर आदमी कोई भी करे तो, इसलिए है क्योंकि मन ही आपको मोक्ष दिला सकता है। अगर मन, अगर आपने उसको काबू में कर लिया, आपने मन को एकाग्र कर लिया है, तो ये आपको मोक्ष प्राप्ति का साधन बन सकता है। तो कहने का ये मतलब है कि आत्मा आध्यात्मिक है, मन भौतिक है, तो अब जब मन भौतिक है तो आत्मा की जो आध्यात्मिक शक्ति है, जो आत्मा की, वो कैसी हो गई, वो लो हो गई, क्योंकि मन की जो शक्ति है भौतिक वाली वो ज़्यादा हो गई। तो हम ध्यान में यही करते हैं कि हम मन को सूक्ष्म करते हैं। अभी तो हमारा ध्यान, सुनो तो, मन को हम सूक्ष्म करते हैं तो ध्यान में हम टोटल आध्यात्मिक यात्रा करने पे निकल जाते हैं। अभी लेकिन शरीर की यात्रा तक कहीं है हम तो अभी। नहीं नहीं शरीर की यात्रा नहीं, नहीं अभी हमारा पूरा जो है ना, हम जो भी है शरीर तक ही है अभी अभी। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ बात, वो सारे प्रश्न आपको सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा एक ही में ही। तो क्या है कि हम जब हमारा मन सूक्ष्म हुआ, शरीर भी सूक्ष्म हुआ साथ में, तो हमारा भी शरीर अब भौतिक नहीं रहा। मन सूक्ष्म अगर होता है तो शरीर भी हमारा सूक्ष्म होता है, तो मन और शरीर दोनों सूक्ष्म हो गए तो हमारा शरीर भी सूक्ष्म नहीं, वो भौतिक नहीं रहा अब ध्यान में। तो हम एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकल जाते हैं, ठीक। और आध्यात्मिक यात्रा करने के बाद जब हम अपना ध्यान समाप्त करते हैं और इस भौतिक दुनिया में आते हैं, रहना तो हमें भौतिक दुनिया में भी है ना, तो भौतिक दुनिया में जब आते हैं तो हमें थोड़ी सी थकान महसूस होती है, क्योंकि हम यात्रा करके आ रहे हैं। अब हम आपको उदाहरण बताएं, आप भोपाल गए थे, भोपाल से चल के आप यहाँ पर आए, चाहे भले वो ट्रेन पे आए हों, चाहे एरोप्लेन पे आए हों, चाहे किसी से आए हों, लेकिन आपके अंदर थकान है, क्योंकि इसलिए है कि आपने यात्रा की है। उसी प्रकार से हमारे मन ने, हमारे शरीर ने एक यात्रा की है, और जब यात्रा करके हम जब वापस आए हैं तो हल्का सा कुछ देर के लिए मुझे भारीपन महसूस होगा ही होगा, और थोड़ी देर के बाद ये सामान्य हो जाएगा। लेकिन ये कभी कभी नहीं होता, कभी कभी होता है, कभी कभी, और एक और अनुभव, कभी कभी विचार बमुश्किल एक या दो आएंगे 40-50 मिनट में, और कभी कभी जो दिन का एटमॉस्फियर जो रहता है हमारा, कुछ जो भी हो, समस्याएं हैं और कोई काम है, मतलब जो अपनी दिनचर्या, तो उस दिनचर्या के बाद में कभी कभी थॉट्स ज्यादा आते हैं, और कभी इस मॉर्निंग टाइम थॉट्स नहीं आएंगे मॉर्निंग टाइम पे। और इवनिंग टाइम में आते हैं। क्या होता है कि मैंने
इवनिंग टाइम पे इसलिए ज़्यादा आते हैं क्योंकि इवनिंग सवेरे से लेकर सुबह से लेकर शाम तक हम ऑफिस का काम कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, बच्चों की बातें सुन रहे हैं, बीवी की बातें सुन रहे हैं, माँ की बातें भी सुन रहे हैं, ठीक है, फ़ोन पे भी बातें हो रही हैं, है? तो ये एक थकान जैसी मुझको हो गई और जो तनाव जो होते हैं एक तो शरीर के द्वारा निकलते हैं और दूसरे निकलते हैं आपके विचारों के द्वारा भी, ठीक। तो हमारे अंदर शाम को सारे विचार, सारे तनाव दबाव जो होते हैं, दबाव जो होते हैं वो हम दबाव से ग्रस्त हो गए शाम तक, सवेरे से लेकर शाम तक दबाव से हम ग्रस्त हो गए। दूसरे ने ये कहा, तीसरे ने ये कहा, उनने ये कहा, उनने, तो एक भारीपन हो गया। जैसे ही हम ध्यान में एकांत में जाएंगे तुरंत मेरे दिमाग में विचार वही आएंगे और जब वो विचार आएंगे उन्हें आने दीजिए, कोई टेंशन नहीं, उनको रोकने की कोई ज़रूरत नहीं आपको। वो आपके दबाव जो हैं दिन भर के वो निकल रहे हैं, वो थकान निकल रही है आपकी, उसके बाद आप फ्रेश हो जाएंगे। रात को आप सोए और रात को सोने के बाद सवेरे उठ के फिर आपने ध्यान किया तो आपका माइंड फ्रेश है पहले से ही, और जब आप ध्यान करेंगे, ठीक है, और ज़्यादा फ्रेश हो जाएगा और विचार ना के बराबर आएंगे। क्योंकि जब ये स्थिति आ जाएगी कि विचार भी नहीं होगा और मंत्र भी नहीं होगा, वो स्थिति आपकी पराकी क्षेत्र की होती है क्योंकि आप प्रकृति के क्षेत्र तक पहुंच गए हैं, उस ब्रह्मांड की ऊर्जा के करीब पहुंच गए हैं। अगर ये स्थिति आती है कि मंत्र नहीं है और विचार नहीं है तो ठीक है, ये स्थिति बढ़िया होती है। एक महीने हो गया, कल 24 तारीख को, 25 तारीख है, हमने एक भी दिन। तो चेहरे पे कुछ आपका आईने में देखो, चेहरे पे असर आया? हमें तो लग रहा है, लेकिन आप बताइए, चेहरे पे थोड़ा असर हुआ, माइंड पे थोड़ा असर हुआ? नहीं, वो तो आप जज करेंगे। ना, वो तो हमने जज कर लिया है, लेकिन आपका जो माइंड है, जो पहले का भारीपन था माइंड में, जो आपकी जो टेंशन थी माइंड में, चिंताएं थी, उनमें कुछ फर्क पड़ा आपका? एक दूसरी बात और कि जैसे अभी हम 40 लोगों का एक ग्रुप था हमारा, ईसीसी के डिप्लोमा कोर्स के फेस टू फेस में गए थे 8 दिन के, तो लोगों ने पहले से ज्यादा हमें लोगों ने वक्त दिया, मतलब लोग हमें उसको क्या बोले, स्नेह दिया। कुछ लोग तो जब अलग हो रहे थे हमसे तो रो दिए। हाँ, मतलब ये चीज हमने महसूस की, मतलब उनको, मतलब हर कोई व्यक्ति हमारे हमसे मतलब बात करने, हमसे मिलने के लिए, पहले थोड़े कम संख्या कम थी, इस बार बहुत ज्यादा थी। तो यही मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए, आप हम आपको बताएं, जैसे कोई साधु संत महात्मा होता है, मान लीजिए हिमालय से कोई संत महात्मा आ गए यहाँ पर शिवनी के अंदर, उनको देखने के लिए लालायित हो जाएगा आदमी। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो एक उसके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर, उस महात्मा के अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, और पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव चीज यानी कि लोगों को या और लोगों को खींचती है अपनी तरफ, और वो लोग उसके वहां पे उनको उनके दर्शन करने जाएंगे, भीड़ लग जाएगी उनके पास में दर्शन करने वालों की। क्यों लग जाती है? क्योंकि वो पॉजिटिव है। आप धीरे धीरे करके आप पॉजिटिव हो रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, आप पॉजिटिव हो रहे हैं धीरे धीरे करके, हैं? तो आपको जो समय नहीं दे रहे थे वो भी आपको समय देंगे और आपकी बातों को अच्छे से तरीके से सुनेंगे। एक सबसे बड़ा फायदा जो हुआ है वो आपसे शेयर करना है, सबसे बड़ा फायदा। ड्रिंक छूट गई है, नॉनवेज की तरफ ध्यान नहीं जाता। ओके, बहुत बढ़िया। मतलब दोनों मेरे दिनचर्या में शामिल था, है ना? मतलब अगर कोई मेरे सामने लाके रख दे नॉनवेज या ड्रिंक तो मैं वहां से दूर भाग जाऊंगा, अंदर से ही ऐसे कुछ होगा। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मेरे जीवन का ये हुआ, ये हुआ ना। दूसरी बात, एक बुरी आदत हो रही है, तंबाकू मैं खाता हूँ तो वो भी मैं सोच रहा हूँ एक झटके में खत्म कर दूं, सोच रहा हूं। देखिए, मेरे एक गुरुदेव थे, बाबा जी गुरुदेव मथुरा के, तो उन्होंने भी तंबाकू जो है
और बीड़ी जो है तो उसके लिए तो वो ज्यादा विरोध नहीं करते थे, लेकिन शराब और मांस के लिए वे डंके की चोट पे कहते थे इसको छोड़ो। तो अपनी आप सुन रही है, सुन तो इसको कहते थे। अब जैसे तंबाकू है, तो तंबाकू है तो आदमी इसको ज्यादा उसमें नशे में नहीं लेता है, लेकिन हाँ तंबाकू का सेवन, किसी भी चीज का सेवन आप ज्यादा करेंगे, तंबाकू का भी सेवन अगर आप ज्यादा करते हैं है? तो आपके लिए हानिकारक है, ठीक है। अगर कम करते हैं, मान लीजिए कभी आपका खाना खाने के बाद मन चला खा लिया, उसमें खाने का मन चला खा लिया, ठीक है, और फिर ये भी धीरे धीरे करके जिस प्रकार से आपका नॉनवेज छूटा, जिस प्रकार से आपका ड्रिंक छूटा, धीरे धीरे करके ये भी आपका कम होता चला जाएगा। छूटा का मतलब ऐसा है मालूम, उसको इच्छा नहीं हो रही, इच्छा नहीं हो रही, इच्छा क्यों नहीं होगी? मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था इच्छा क्यों नहीं होगी, क्योंकि जितना भी जो भौतिक जगत की जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो निगेटिव पावर है, जो है निगेटिव पावर हमारे ऊपर इफेक्ट डालती है, और निगेटिव पावर हमारे ऊपर इफेक्ट डालेगी है जब भी, तब हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव चीज़ों की तरफ आकर्षित होंगे जल्दी जल्दी, ज़्यादा ज़्यादा कि लाओ जल्दी, पैसा है तो दारू पी लो, पैसा है तो मीट खा लो, पैसा है तो ये कर लो है, और निगेटिव लोग भी आपके सामने आएंगे है, दारू पीने वाला वो आपके पास आएगा शराबी, अरे यार चलो दोस्ती कर ली, चलो दारू पीते चल के, चलो ठेके पे चलते हैं, तो आप उनके साथ में चले गए, क्योंकि आप खुद निगेटिव ऊर्जा से ग्रस्त हैं इसलिए चले गए, तो वो धीरे धीरे करके आदत पड़ जाती है आदमी की, तो वही काम करने लगता है, गलत काम में वो लिप्त होता चला जाता है। और हम जब ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे करके हम पॉजिटिव होते हैं, तो निगेटिव चीज़ों की तरफ पे हमारा ध्यान हटता चला जाता है, और फिर हम पूर्ण रूप से हमारा मन जो होता है वो शुद्ध हो जाता है, और जब मन शुद्ध होगा आपका तो शरीर अपने आप शुद्ध हो जाएगा। भोपाल में भी दो तीन दोस्तों ने काफी फोर्स किए, मैं क्या मैं बैठ तो जाऊंगा हाँ? लेकिन मैं कोशिश भी करूंगा, अंदर नहीं जाएगी, अंदर नहीं जाएगी, तो उन लोगों ने बोले तो फिर ऐसा है तो भैया मैं भी हूँ तो कुछ लोग है तो कहते हैं हम खाएंगे, खाओ, मैं बैठा हूँ, मुझे नहीं खाना, मेरे सामने खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे नफरत नहीं है किसी चीज़ से, दारू से नफरत नहीं है, मिर्च से नफरत नहीं है, किसी चीज से नफरत नहीं है, हैं? मैं मेरे सामने है तो मैं ऐसा नहीं मैं मुंह फेर लूँ और इन वो कर लूँ, नहीं है, बढ़िया है, वो भी चीज़ अच्छी है। अच्छी क्यों है? अच्छी इसलिए है, मैंने लोगों को बताया कि लोग ये कहते हैं, एक आया था, एक कोई महात्मा बोल थे, कथावाचक थे, तो यूट्यूब पे ही हमने देखा था उसका उनका, तो एक उनके जो भक्त थे, बड़ी भीड़ रहती है कथावाचकों में, तो भक्त थे, उन्होंने कहा कि मेरे ससुराल में एक महिला थी, मेरे ससुराल में मछली खाई जाती है, और हम ब्राह्मण हैं और सब लोग फोर्स कर डालते हैं, दबाव डालते हैं मछली खाने के लिए हैं, और हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है लेकिन वो रहती कहाँ थी, उसका ब्राह्मण का परिवार रहता कहाँ था, समुद्र के किनारे है? तो समुद्र के किनारे आदमी को मिलेगा क्या, मछली के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जहाँ हमने उनका प्रश्न, हमने जो उत्तर उन्होंने दिया उससे उत्तर से हमें सहमत नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जब हमारा जो ध्यान व्यान किया और फिर यही सब विचार चलते रहे मेरे दिमाग में, तो निष्कर्ष पर इस पर पहुँचा कि अगर आपके सामने पास है पेट भरने के लिए अन्न नहीं है, है? और जिस क्षेत्र में आप रहते हैं है? उस क्षेत्र में मीट ही मांस ही प्रोवाइड हो रहा है वहाँ पर है? और आपको मजबूरी बस खाना पड़ रहा है, है? तो उस स्थिति में है? आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा, क्योंकि वो काम आप मजबूरी में कर रहे हैं, ठीक है। और उसी समय मान लीजिए कि अपने उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश में देख लीजिए, तो यहाँ पर शाकाहारी व्यंजनों की कोई भी कमी नहीं है, ठीक है, गेहूँ मिल जाएगा, हर एक सब्जी मिल जाएगी, ये मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, ठीक। लेकिन उसके बाद भी हम यहाँ पर मांसाहारी भोजन करते हैं, तो
एक थाली में शाकाहारी भोजन रखा है, एक थाली में मांसाहारी भोजन रखा है, है? और आप जबरदस्ती यानी कि जानबूझ के शाकाहारी को तो आप तिरस्कार कर रहे हैं और मांसाहारी का आप खा रहे हैं, तो धर्म भ्रष्ट आपका वहां होता है। मजबूरी बस आप किसी चीज का सेवन कर रहे हैं तो आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। अगर जानबूझ के आप मांस खा रहे हैं, हैं? जानबूझ के दारू पी रहे हैं तो आपका धर्म भ्रष्ट होगा। मन ही परिवर्तित हो गया। ठीक है, आपको दो मतलब छुपा नहीं रहा हूं मैं। हाँ, 27 जनवरी को नागपुर गया था, 24 जनवरी से मैं ध्यान चालू किया था। मेरे साथ दो बेवड़े थे, बेवड़े मतलब दोस्त ही थे। हाँ, तो उनने बैंक करा दी। हाँ, कर ली मैंने, और मेरे को बहुत गलानी हुई, जम के गलानी हुई। हाँ, नहीं करना चाहिए। और उसके बाद फिर 3 फरवरी को, हाँ, 3 फरवरी को भी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि कुछ दिन 3 फरवरी के बाद मैंने कहा अब जो है मतलब 24 जनवरी से लेकर मैंने 2 बार ऐसा किया। हाँ, आपसे क्या छुपाना। हाँ, 3 फरवरी के बाद मैंने कहा, मैंने मिसेस को बताया कि मैंने गलती की है, वो बहुत बेकार सा लगा, पूरी रात नहीं सोया आज के बाद नहीं। उसके बाद में बहुत ऐसे मौके आए, खत्म हो गया। इससे बढ़िया, इससे बढ़िया कोई चीज प्रोफेसर को बताना ये चीज नहीं, नहीं बताना उनको, कम से कम ये चीज बताओगे, सुनो तो ये चीज बताओगे तो कम से कम प्रिंसिपल सर तो एक ऐसे व्यक्ति हैं तो मौके पे आके तो कम से कम वहां बता सकते हैं, देखो ध्यान से ये प्रॉफिट होती है। उनको पता है, उनको सब हमारी आज सुबह भी मुलाकात हुई थी, हुई थी, सब पता है, मेरे बारे में पूरी जानकारी, पूरी जानकारी है। तो वो हम पे कल देखना बताएंगे, तो अगर आपसे आपसे जो भी बातें होती है ना वो बता, पूरी बातें नहीं बताते हैं लेकिन वो हिंट बता देते कि यार तुम्हारे तो वो बिसेन जी हमें मिले थे, वो तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं आजकल। अच्छा, आप ही बताएं कि महीना भर में कुछ चेंज हमारे अंदर आ जाए। देखिए मैं आपको बताऊं, जो आपने अभी चेंजिंग बताई है, ड्रिंक मेरी छूट गई, नॉन वेज छूट गया मेरा, है? तो एक महीने में इतना चेंज अगर आ गया है और चेहरे में भी चेंज आया है और माइंड में भी चेंज आया है, तो इतना चेंज एक महीने में आ जाता है तो बहुत है। लोग यहाँ पर सालों साल ध्यान करते रहते हैं, इतनी चेंजिंग नहीं आती है हमको तो बहुत चेंज। इसीलिए कहता हूँ ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन जो भावातीत ध्यान है ना, है? तो तुरंत आदमी को फायदा करता है, बेनिफिट दिलाता है, ठीक है। और इससे सरल तो दुनिया में कोई ध्यान ही नहीं है। मेरे को एक मतलब अगर मैं बैठा कभी तो एक घंटे हो जाते हैं, होश नहीं रहता कई बार, ऐसा होता है। लेकिन अभी मैं सिर्फ अपने शरीर तक हूँ, सिर्फ मेरी यात्रा भी अभी अभी यहीं तक रहेगी, सीमित ही रहेगी। ध्यान खुद आपको यहीं तक सीमित रखेगा। आप कुछ नहीं करेंगे। देखिए महर्षि जी ने ये कहा है, कहते थे वो, आप कुछ ना करो और सब कुछ प्राप्त कर लो। ये मेडिटेशन ऐसा है कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और आप सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। मैं यहाँ पर से कहीं नहीं जाता हूँ घर बाहर, हमें जब भी आया आपसे मुलाकात हुई, सुना जब हम नहीं जाता हूँ, मैं बहुत कम जाता हूँ, है? और हम और भी कहीं बाहर नहीं जाते हैं, है? लेकिन काम मेरे सारे होते हैं, आपके भी काम सारे होने लगेंगे। तो जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको वो प्राप्त हो जाएगा बैठे बैठे जो आपको चाहिए, वो खुद चल के आएगा। ये प्रकृति लाती है, प्रकृति हमारे कार्यों में सहयोग करने लगती है। जो नेचर है जो पूरे दुनिया को पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, हैं? तो वो आपको चलाने लगेगी अपने अनुसार। जब वो अपने अनुसार आपको चलाने लगेगी तो वो खुद प्रकृति चला रही है, तो प्रकृति तो गलत आपको जाने ही नहीं देगी, गलत दिशा की तरफ। देखिए गलत दिशा की तरफ तो जाने ही नहीं देगी आपको, और वो सब चीजें प्रकृति पर प्रोवाइड कराएगी जो आपको भौतिक जगत में चाहिए। एक प्रश्न और, अभी हमारा लगभग शाम का वक्त में 15-20 मिनट आगे पीछे होता है, आगे पीछे हो जाता है, मतलब
6 बजे बैठना है तो कभी 6:30 इस प्रकार से। मॉर्निंग में सबसे सही टाइम क्या होगा वो बताएं, उस टाइम को हम फिक्स करेंगे। मॉर्निंग का टाइम तो हमारे हाथ। देखिए मॉर्निंग का टाइम जो होता है 3 बजे से लेकर आपका 6 बजे तक, जो 3 घंटे है ना सूर्योदय से होने से पहले वाले 3 बजे से लेकर 6 बजे तक, ये ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है कि स्वयं ब्रह्मा जी एक तरह का एक अमृत की बरसात करते हैं। स्वयं ब्रह्म जो परब्रह्म है, जिसका हम ये ध्यान कर रहे हैं, ब्राह्मी चेतना जिसको कहते हैं, आखिरी चेतना है ब्राह्मी चेतना है, तो जो ब्रह्म मुहूर्त उसी को कहते हैं कि इस समय का जो आप जो भी काम करेंगे, ध्यान करेंगे, तो उस ध्यान का बेनिफिट इतना होता है बहुत ज़्यादा। आप 3 बजे ना उठें, आप 4:30 बजे उठ के आधा घंटा ध्यान कर ले 5 बजे तक, इससे बढ़िया कोई वो नहीं रहेगा। 10-15 मिनट लग जाता है चाय पी के आराम, तो 5 बजे से भी बैठे तो 5 बजे से भी बैठोगे तब भी आप 6 बजे तक कर लोगे। पाँच का टाइम आप फिक्स कीजिए। सूर्योदय 5 बजे नहीं होता है कभी भी, है सूर्योदय होता है 6 बजे के बाद, ठीक है। तो ये कर लीजिए आप, उस समय रोड का भी ट्रैफिक नहीं होता, विचारों का भी ट्रैफिक नहीं होता, कुछ ट्रैफिक ही नहीं होता, ट्रैफिक ही नहीं होता कुछ, कम ट्रैफिक शाम को ट्रैफिक रहता है। जब ट्रैफिक नहीं रहता तो यात्रा भी जल्दी कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हो ना, यात्रा भी जल्दी कर लोगे। और फिर बाद में तो ध्यान हम बता रहे हैं कि आपको खुद लेके जाएगा, आपको कहीं जाने के, हम जब ध्यान में जाते हैं तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती इस ध्यान में, केवल मंत्र ले लिया, अब जो कुछ हो रहा है वो होने दो, बस हमको आनंद लेना है ध्यान का, बस बैठे बस आँखें बंद करके जो हो रहा है होने दो, अपनी तरफ पे तो कुछ करना ही नहीं है, ना जाप करना, ना एकाग्रता है, ना कुछ है, ना कुछ है। मंत्र तो लेना पड़ता, विचार आते हैं। देखिए मंत्र आप सवेरे आपने बताया ना कि विचार आते ही नहीं हमारे, तो मंत्र लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, तो मंत्र तो आप चलो एक दो बार ले लेते हैं, चलो ले लिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जपना तो नहीं है ना, नहीं। तो बस मंत्र तो आप जब आपको जरूरत पड़ी 2-3 बार होता है, 2-3 बार ले लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो मन को मन थोड़ा सा इधर उधर गया मान लेते हैं, ठीक है। और आपने आपको ऐसा लगा कि हम ध्यान से भटक गए, मन अगर भटकेगा तो ये आपको ये लगेगा हम ध्यान से भटक गए, आपने तुरंत मंत्र लिया और ध्यान में चले गए। मुझे भी लेना पड़ता है मंत्र 2-3 बार। भोजन कर लीजिए आप, धीरे धीरे करके आप, अभी तो एक ये हुआ हो सब पे